तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम अब्दुल आशिफ जी, राजेश जी और रामजी पांडे जी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक्सेल की फॉर्मूलेज के बारे में, और फॉर्मूलेज में बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस के बारे में। और जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज म्यूट कर लें ताकि बैकग्राउंड से सोई शोर शराबा ना आए। लॉजिकल ऑपरेटर, हम पहले बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर की, जो कि लास्ट क्लासेस में आपके साथ हमने डिस्कस किया था, वो है इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। नहीं, ये तो सर लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, मैं गलत बोल गया। हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर में प्लस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे डिवाइड था, एक और था पावर। हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज करके हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एक्सेल की किसी भी इनबिल्ट फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। और आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं आपके साथ कि कैसे लॉजिकल ऑपरेटर जो कि ग्रेटर दैन इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये हमारे क्या है, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इनकी मदद से हम यूज करते हैं अपने लॉजिकल कैलकुलेशन। अब उन्हें लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होते हैं, चलिए हम आपको समझाते हैं। हमने कुछ नंबर्स यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैंने कुछ नंबर्स टाइप करना, मुझे बस चेक करना है कि कौन से नंबर ग्रेटर देन 50 है। तो आप बोलेंगे सर इसके लिए तो हम इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इफ फॉर्मूले के बारे में हम आपको बाद में बताते हैं। यहाँ अगर आपको चेक करना है तो जस्ट ग्रेटर देन 50 लिखिए और एंटर मार दीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए, रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। जी हाँ, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अब बात करते हैं कि लोग तो कहते हैं सर हम इफ से कैसा करते हैं। इफ का इस्तेमाल कब होता है, जब ये ट्रू को और फॉल्स को डिफरेंट सब इसमें वर्ड में कन्वर्ट करना, डिफरेंट रिजल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रू एंड फॉल्स का। जैसे यहाँ देखिए, तो इफ फॉर्मूला कहता है कि मुझे दो ट्रू एंड लॉजिकल टेस्ट में ट्रू एंड फॉल्स दो, और जो वैल्यू ट्रू है तो मैं यहाँ पे ओके दूंगा, अदरवाइज पेंडिंग दूंगा। इफ फॉर्मूला तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू देना, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स देना होता है। लेकिन क्या है कि हम दो कॉलम यूज ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगा देते हैं। तो इससे इस चीज को समझिए कि जो ग्रेटर देन 50 किया, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इफ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफ का पार्ट है। जी नहीं, इफ का पार्ट नहीं है, ये अलग है। हम इफ में इसको कंबाइन करते हैं ताकि हमें दो कॉलम यूज ना करना पड़े और आपका रिजल्ट आ जाए। तो अब्दुल जी, राजेश जी एंड रामजी पांडे जी, समझ में आया कि ये लॉजिकल ऑपरेटर इफ के साथ कैसे परफॉर्म करता है? जी बिल्कुल सर। जी सर जी। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। अब कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ लोग इक्वल से करते हैं, कुछ लोग प्लस से करते हैं। स्टार्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि माइनस से भी किया जा सकता है, बट माइनस से जब करेंगे तो आपका रिजल्ट माइनस में हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लोग चाहे इक्वल से करते हैं या फिर प्लस का सिंबल से करते हैं। अब आपने किया तो आपने फॉर्मूला के इनिशियल वर्ड लिखेंगे, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, उस वर्ड से स्टार्ट होने वाले, वो लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे फॉर्मूले आएंगे। ध्यान रखिएगा, स्टार्ट होने वाला, मिडल में नहीं आएगा, स्टार्ट भी तो होता है। तो इस करेक्टर से, उस वर्ड से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूले की लिस्ट आएगी। आप अपने एरो की से लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और जिस भी फॉर्मूले पे आपका जो कर्सर जाएगा यहाँ पे उसका एक शॉर्ट डेफिनेशन या परिभाषा कह सकते हैं हिंदी में, आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करना हो तो बस अपने टाइप कैरेक्टर को प्रेस कीजिए, आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा।
अब ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख के ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो या आप टैब करेक्टर से सिलेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे दिख रहा है इफ, जो इफ वैल्यू फॉल्स वैल्यू ट्रू क्या है, इसको बोलते हैं साइन टेक्स्ट। आम भाषा में बोल सकते हैं इसको इनपुट्स की फॉर्मूलेज के अंदर कितने इनपुट्स हैं। अब इनपुट्स में कौन कौन से क्या है इसको जानना जरूरी है, जिसके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए लॉजिकल टेस्ट आप देख रहे हैं नॉर्मल है, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स आपका स्क्वायर ब्रैकेट में है। अब एक चीज़ को जान लीजिए कि जो इनपुट्स स्क्वायर ब्रैकेट में है इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है। अभी देखिए जब तक लॉजिकल टेस्ट में नहीं दूंगा तब तक मैं बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट इज द रिक्वायर। इसको सिलेक्ट किया तो अब मैं कॉमा कर देता हूँ, अब मैं बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स ये ऑप्शनल है। डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आएगा। ओके okay? और इसी इस फॉर्मूले में नहीं, आप भी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें भी देखिए लुकअप वैल्यू लुकअप रेंज जो है आपका वो ऑप्शनल है। आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाते हैं तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला सम प्रोडक्ट फॉर्मूला या सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला जो कह लीजिए, उसमें भी देखिए इंस्टेंस नंबर आपका ऑप्शनल है। तो सारे फॉर्मूले में इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, मतलब कि ऑप्शनल है, नॉट अ फॉर्मूला। आगे चल के जब वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करेंगे वहां भी आपको सेम फीचर्स मिलेगा। क्लियर है आप लोग? क्लियर है सर फॉर्मूला का? क्लियर क्लियर है सर बिल्कुल। अब चलिए हम इफ के कुछ एग्जांपल्स आपके साथ करते हैं, कुछ एग्जांपल हम आपके साथ करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले नेम और लिस्ट लेता हूँ। यहाँ शॉर्टिंग में गया, कस्टम शॉर्ट बेटा हीडर एंड इसको शॉर्ट कर दिया। अच्छा शॉर्ट इसलिए किया ताकि नेम, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा और नाम होना चाहिए था, थोड़ा सा और मैंने नाम ले पाऊँगा। अब सही मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट हमने इसलिए किया था कि सारे जो नेम है वो इकट्ठा एक जगह पे। अब मुझे क्या करना है, इसमें सिर्फ एक नेम को उठाना है, सिर्फ ओनली फॉर वन। ऐसे तरीके तो और भी है लेकिन नेम मतलब वन मतलब जैसे कि यहाँ पे जितने भी लिस्ट ऑफ नेम है वो रिपीटेड है, हर रिपीट में सिर्फ एक हेड काउंट की तरह। जैसे अजीत का एक हो गया, पूजा का पूजा ले, तो एक पूजा एक ही बार लें, अजीत एक ही बार लें। तो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं इफ का, इफ फॉर्मूला। हमने बोला कि सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो यहाँ पे आएगा डी, अदरवाइज आएगा यू। तो ए 12 बराबर है ए 11 से तो यहाँ पे डी आएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे यू देंगे, यूनिक एंड डुप्लीकेट। एंटर किया और नीचे की तरफ एंटर किया। तो देखिए जो भी नाम फर्स्ट टाइम है आप देख रहे हैं, जो नाम फर्स्ट टाइम है वो यहाँ पे यू आ गया, यूनिक आ गया, जो भी नाम फर्स्ट टाइम है। अब मैं इस पर फिल्टर लगा सकता हूँ सर। अब मान लीजिए कि इसको छोड़िए, मैं चाहता हूँ कि इसमें सीक्वेंस नंबर आ जाए, इसको हटा दीजिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 2 3 इस तरह से आए, तो क्या करूं मैं इसके लिए? इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देना है इफ फॉर्मूला, इफ अगर सामने वाली वैल्यू बराबर है ऊपर वाली वैल्यू से तो अपने ऊपर वाले में प्लस वन कर दो, अदरवाइज वन से स्टार्ट कर दो। ध्यान से देखिए हमने क्या बोला कि सामने वाली वैल्यू मतलब कि ए 12 बराबर है अपने सामने की ऊपर वाली वैल्यू ए 11 से, तो यहाँ पे जहाँ फॉर्मूला लग रहा है वो अपने ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दें और सीक्वेंस को कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर सीक्वेंस को वन से स्टार्ट करें।
तो यहाँ पे मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे वन देगा, लेकिन जैसे हम नीचे ड्रैग किया आप देखिए यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब कि ए थर्टीन टू ए ट्वेल्व हो गया, और यहाँ पे दोनों आपस में मैच कर रहा है तो V12A+1 करके यहाँ पे 2 दे दिया। तो इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जैसे अजीत का सीरीज खत्म होगा, देव का सीरीज स्टार्ट हुआ, तो आप देखिए वापस एक से सिक्वेंस स्टार्ट हो गया, तो हर किसी को हमने सीरियल नंबर दे दिया। अब कुछ लोग सवाल पूछते हैं इसमें कि सर यहाँ पे मुझे सॉर्ट करना पड़ा, सपोज कि मुझे शॉर्ट ना करना पड़े तब क्या करूं? तो उस केस में जब शॉर्ट आपको नहीं करना पड़ेगा उस केस के लिए हमारे पास काउंटिंग कर्व फॉर्मूला है जो कि आगे की क्लासेस में हम सिखाएंगे। अब सीक्वेंस की बात आ रही है तो मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है जैसे कि नेम या मतलब कि आईडी हम देते हैं, आईडी नेम और सिटी एड्रेस इस तरह का, और भी बहुत सारे कॉलम हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वन लिखता हूँ, यहाँ पे देता हूँ पूजा, सिटी दिया मैंने दिल्ली, एड्रेस दिया F101 और जो भी होता है सो हमने दे दिया। अब मुझे दूसरा नाम लिखने के लिए फिर 2 लिखना पड़ता है। मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ सामने वाला वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाले वैल्यू में +1 कर दो, नहीं तो ब्लैंक। अब यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले बात करते कि F13 मतलब सामने वाले वैल्यू को ग्रेटर देन 0 क्या नहीं होता, ग्रेटर देन 0 इसलिए किया क्योंकि जो ब्लैंक सेल होता है वो ब्लैंक सेल हमारा क्या है, तो ग्रेटर देन 0 हमने इसलिए किया क्योंकि जो ब्लैंक सेल को एक्सेल डिफॉल्ट 0 समझता है इसलिए इसको हमने 0 किया है। एंटर प्रेस कीजिए और इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर रहे हैं। देखिए पूजा आ गया। अब मैं यहाँ पे दिल्ली करता हूँ, दिल्ली सॉरी ओम कविता मोहित इंदर, ओके। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे मैं यहाँ पे एक लेटर छोड़ दिया, एक जगह छोड़ दिया, जब मैंने ओम पे क्लिक किया तो यहाँ पे एरर आया। तो मुझे बताइए राशिद जी कि ये एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है, फॉर्मूला भी सब कुछ सेम है तो फिर यहाँ एरर क्यों आया? फील्ड को फिक्स करना चाहिए जी, वो फॉर्मूले पे फिक्स फील्ड को फिक्स F8 को सेल्फ फिक्स करना चाहिए। नहीं फिक्स कैसे होगा, तो फिर कैसे इंक्रीज कैसे होगा, तो सब में 1-1 जोड़ देगा तो 2-2 आएगा सर। तो अरे सीरीज को फॉलो कर रहा है, सीरीज ब्रेक हो रहा है, वो इफ कंडीशन में सर ब्लैंक को भी डालेंगे, अगर ब्लैंक होगा तो एक स्टेप पीछे से काउंट करेगा, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा जी रुक जाइए, बीच में मत बोला कीजिए, पूछूंगा तो बोलिएगा ठीक है ना, ओके। राम जी पांडे जी आप बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो सर जैसे बीच में ब्लैंक आ जा रहा है ना, तो उसके लिए हम अगर ब्लैंक रहता डीप कंडीशन में ब्लैंक कंडीशन डालेंगे और फिर एक पीछे वाला जो सीरीज होगा उसको लेके और फिर उसमें एक ऐड करेगा। सर मैंने ये नहीं पूछा कि कैसे काम कर रहा है, मैंने ये पूछा कि एरर क्यों दे रहा है, एरर का रीजन बताइए। जब तक आप एरर के रीजन को नहीं ढूंढिएगा तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। वो सर क्योंकि ना हमने जिसमें इफ कंडीशन दिया ना वो कॉलम ब्लैंक छोड़ के और आगे बढ़ रहा है ना, इसके लिए वैसा एरर आ रहा है। तो ब्लैंक क्यों पे क्यों आ रहा है, रीजन क्या है ब्लैंक छोड़ने से? अब यहाँ पे भी ब्लैंक है, अगर मैं यहाँ पे +1 कर देता हूँ तो यहाँ तो 1 आता है, तो यहाँ भी 1 आना चाहिए था ना सर, रीजन समझिए रीजन। तो इसका रीजन ये है कि जो हमने ब्लैंक छोड़ा है वो क्या है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या होता है सर,
टेक्स्ट होता है। तो ये जो ऊपर वाले नंबर है वो क्या हो गया, टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट में जब ये प्लस वन कर रहा है तो प्लस वन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी करेक्टर के अंदर प्लस वन नहीं हो सकता। यहाँ ब्लैंक है तो ब्लैंक भी एक करेक्टर की तरह काउंट हो रहा है, ना कि ब्लैंक सेल की तरह काउंट हो रहा है, इसलिए यहाँ एरर दिया। समझ में आया कि नहीं आपको? जी सर, जी सर। क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला लगा है उसमें क्या बोला है मैंने कि अगर 17 ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ब्लैंक करो, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ब्लैंक हो गया है। तो ब्लैंक हुआ लेकिन टेक्स्ट कैटेगरी का ब्लैंक हुआ, डिफॉल्ट जो ब्लैंक होता है और नंबर कैटेगरी का ब्लैंक होता है जिसका मान 0 होता है। बट यहाँ जो मैंने टेक्स्ट लगा दिया तो ये आपका टेक्स्ट कैटेगरी का 0 हो गया, और टेक्स्ट पे जब प्लस कर रहा है तो प्लस 9 के एरर दे रहा है। इधर प्रॉब्लम हो गई। अब इसका सलूशन क्या होगा? तो सलूशन के लिए मैं यहां पे अलग फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला सेम हुआ कि इफ नेम इज ग्रेटर देन 0 तो यहां मैक्स का फॉर्मूला लगे, क्योंकि मैक्स फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टेक्स्ट हो या नंबर हो, प्लस 1 अदरवाइज ब्लैंक। लेकिन मैं डायरेक्ट इसको ड्रैग नहीं करूंगा, तो D11 सब D11, D12, D13 आ जाएगा। हमें एक पहले वाले को फ्रीज करना होगा। फ्रीज कर दिया, जब नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए अब इसकी प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया सर आपको? जी सर, जी सर। अब सीरियल नंबर की बात आई है, चलिए कुछ और एग्जांपल हम देते हैं सीरियल नंबर की। मैं चाहता हूं कि मैंने यहां पे लिख दिया मैक्स, मैक्स 10, तो यहाँ सीरियल नंबर 10 तक ही होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं। तो मैनुअली मैंने 1 लिखा और दिया कि अगर इसमें प्लस 1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो हम यहाँ ब्लैंक दे, नहीं तो ऊपर वाले में प्लस 1 करके हम सीक्वेंस को नीचे फॉलो करेंगे, और नीचे ड्रैग करना है तो K13 को हम यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ 5 ही करते हैं नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ भी एरर आ गया, तो यहाँ जो एरर आया उसी केस में, बट यहाँ मुझे इस एरर को ब्लैंक कर देना है। इस एरर के जरिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसको ब्लैंक कर देना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का। इफ एरर फॉर्मूला क्या करता है कि उसके अंदर दी गई फॉर्मूला अगर एरर दिया तो उसके जगह पे 2 दे सकते हैं। इस एरर के अंदर में 2 इनपुट्स होते हैं, पहला आप फॉर्मूला इनपुट कीजिए, दूसरा आप वो पहला फॉर्मूला एरर दे तो क्या, तो हमने बोल दिया ब्लैंक। तो जहां पहला फॉर्मूला एरर देगा वहां पे ब्लैंक सेल आ जाएगी। देखिए आ गई ब्लैंक। अब मैं यहाँ पे 5 डालूं, 7 डालूं, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। आ गया सर? आ गया। तो ये हमारे इफ फॉर्मूले की एग्जांपल्स थे। अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इफ बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको प्रैक्टिस के साथ यूज कीजिए, तो मुझे आप इफ के 10 एग्जांपल खुद से क्रिएट करके मेल कीजिए। जी हाँ, इफ के 10 एग्जांपल खुद से क्रिएट कीजिए और मेल कीजिए।